हेलो एंड वेलकम टू ए टू जेड डिस्कवरी। इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपके एग्जाम में इलेक्ट्रिक मोटर का क्वेश्चन आता है तो आप अगर इस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में लिखने का सबसे इजी तरीका बताया हुआ है। आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा, आप इसे बस एक बार पढ़िए या फिर इस वीडियो को दोबारा प्ले करिए और आपको इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अच्छे से समझना है, तो ये वीडियो अंत तक देखें। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब दूसरी चीज़ आती है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट कंटिन्यूअसली। मोटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि ए बी सी डी है हमारे फिगर के अनुसार, वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस किया जाए तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा जो उसे रोटेट कर देगा, जो उसे स्पिन कर देगा। अब तीसरी चीज़ आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। वेरी सिंपल वे है, वेरी बहुत अच्छे तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको कम मैटर में इसे लिखना है तो आप ऊपर की दो लाइनों में ही इसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो 1 2 3 4 पॉइंट्स में आप इलेबोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्वाइल विच इज माउंटेड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस एंड बैटरी फिक्स्ड एज शोन इन द फिगर। आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है अगर आपको अपने टीचर को इम्प्रेस करना है या फिर अपने आंसर को आपको अट्रैक्टिव बनाना है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है यानी ए बी सी डी, जो कि माउंटेड होता है, जो कि प्लेस्ड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड होता है। स्प्लिट रिंग्स होती हैं, पी एंड क्यू आर स्प्लिट रिंग्स, एंड ब्रशेज एक्स वाई ब्रशेज, बैटरी आर फिक्स्ड इन अ मैनर शोन इन द फिगर। ये सभी किस तरीके से फिक्स्ड है? जिस तरीके से इस फिगर में शोन है, इस डायग्राम में शोन है। आपको ये दो लाइन लिखनी है, फिर इन चारों चीज़ों के आपको थोड़ा सा बारे में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट रेक्टेंगुलर क्वाइल। व्हाट इज रेक्टेंगुलर क्वाइल? इट इज़ अ क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। रेक्टेंगुलर क्वाइल ए बी सी डी, इट इज़ अ क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सेकेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, यहाँ पे दो ही मैग्नेट है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल मैग्नेट। रेक्टेंगुलर क्वाइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स का क्या वर्क है? जब ए बी सी डी क्वाइल को हम मैग्नेट्स के बीच में प्लेस करते हैं तो जो मैग्नेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, किसे? ए बी सी डी क्वाइल को, रेक्टेंगुलर क्वाइल को। अब थर्ड आता है स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। तो स्प्लिट रिंग्स रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेक्टेंगुलर क्वाइल। ये मेन पार्ट है। स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं? स्प्लिट रिंग्स रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेक्टेंगुलर क्वाइल। अब फोर्थ आता है ब्रशेस। ब्रशेस यानी एक्स वाई ब्रशेस, आपको फिगर में दिख रहे होंगे ब्रशेस। दीज ब्रशेस एक्ट एज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग्स एंड टर्मिनल बैटरी। कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग्स एंड टर्मिनल बैटरी। आप जैसा देख पा रहे हैं इस फिगर में, ये बैटरी है, इसका कॉन्टैक्ट स्प्लिट रिंग से किसके द्वारा हो रहा है? ब्रशेस के द्वारा। तो वॉट आर ब्रशेस? ब्रशेस ब्रशेस आर कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग्स एंड टर्मिनल बैटरी। सो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब आती है वर्किंग। वर्किंग को मैंने तीन सिंपल पार्ट्स में एलेबोरेट किया हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू क्वाइल। जब करंट क्वाइल से पास कराते हैं, आर्म ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। जब हम करंट क्वाइल से पास कराएंगे तो आर्म ए बी
और सी डी करंट मैग्नेटिक फोर्स उन पे लगेगा। सेकंड, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑन आर्म ए बी इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड आर्म सी डी एक्सपीरियंसेस फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ए बी आर्म पे लगाएंगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स, और जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप सी डी पे लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द क्वाइल सो द क्वाइल रोटेट्स कंटिन्यूसली। जैसा कि अब हमें दिख रहा है कि ए बी पे इनवर्ड्स फोर्स लग रहा है और सी डी पे आउटवर्ड्स, तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, तो ये जो क्वाइल है ये स्पिन करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। सो दोस्तों यही था इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।